कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज संगम नगरी प्रयागराज में नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन में ही पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां गीत गाकर और मिठाइयां बांटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की कामना की गई। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी में भारी मंथन का दौर चल रहा है। कई राज्यों में पार्टी की हार ने कई सवाल भी खड़े किए। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है। आज बुधवार 19 जून को बीजेपी ने बुधवार को अभिजीत दास उर्फ बॉबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया, वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। बारामूला के राफियाबाद इलाके के वाटर गाम हादीपोरा में दिन भर चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। भीषण गर्मी और हीटवेव से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गहराता जल संकट तेजी से फैलता जा रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों के बाद अब लुटियन जोन भी जल संकट की चपेट में आ गया है। लुटियन जोन में जल संकट को लेकर NDMC के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद, RML हॉस्पिटल आदि हमारे इलाके में आते हैं। बुधवार कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। CM की तरफ से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने दलील पेश की। अब गुरुवार 20 जून को भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान जज न्याय बिंदु ने कहा कि मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। हर कोई जानता है कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है। दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में कल मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में वृक्षारोपण अभियान को लेकर 25 से ज्यादा एजेंसियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में वन विभाग, DDA, MCD, PWD, शिक्षा विभाग, NDMC, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग, DSII, CPWD, NDPL, IFCD, नॉर्दर्न रेलवे, BSCS, पर्यावरण आदि विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। तो दिल्ली में आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव सरदार पटेल मार्ग और सिमोन बोलीवार मार्ग जंक्शन पर रथ पर सवार कृष्ण अर्जुन की प्रतिमा स्थापित की गई। इसमें से उस जगह की खूबसूरती बढ़ गई है। दिल्ली में रथ पर सवार कृष्ण अर्जुन की प्रतिमा लगने से राजधानी की खूबसूरती बढ़ गई है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले शुरू हुआ राजधानी दिल्ली के सौंदर्यकरण का कार्य निरंतर जारी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले के लिए पूरी भारतीय टीम प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बह रही है। आपको बता दें कि सुपर 8 में भारत का पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान से है। इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली की मुलाकात वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज सर वेस्ले हॉल से हुई, जहाँ हॉल ने कोहली को खास तोहफा दिया और भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर उज्जैन से हुई है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध कॉलोनी की मॉनिटरिंग करने की कॉलोनाइजर पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तभी एक सप्ताह तक अवैध कॉलोनी को चिन्हित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि वह दुनिया छोड़ने वाले हैं। दरअसल वायरल वीडियो में करण सिंह वर्मा कह रहे हैं, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दुनिया से जाना है, मुझे काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा और लोगों को सारा हिसाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 24 जून को मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में झमाझम बारिश होगी। जंतर मंतर वेदशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने मानसून में हो रही देरी पर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 23 से 24 जून तक होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी उत्तर और पश्चिम से तेज हवाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर IED में धमाका हो गया। ब्लास्ट में बुजुर्ग महिला पूरी तरह घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए उसूर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने महिला की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुनिया भर में भारत के दुश्मन एक एक कर ढेर हो रहे हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला एक और दुश्मन अमीर हमजा मार गिराया गया है। पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर और ISI का एजेंट, जिसने साल 2018 में जम्मू कश्मीर के सुजवान में बने आर्मी कैंप पर आतंकी हमला कराने का आरोप था। उस हमले में देश के 6 जवान मारे गए थे। पाकिस्तान के पंजाब में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे ढेर कर दिया।
स्मृति मंधाना ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच शतक जड़ दिया। मंधाना ने लगातार दूसरे मुकाबले में शतक लगाया है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। मंधाना ने बुधवार को ऐतिहासिक पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमित दस्तावेज रहा, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता था। लेकिन खिलजी वंश के अतिक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला।